टेल टॉपिक ऑयलमेंट जो कि बनाई जाती है सिस्टोपिक लेबोरेटरीज के द्वारा बनाई जाती है। 30 ग्राम का ये क्रीम रहता है, जिसके अंदर कंटेंट की बात करें तो इसके अंदर बेक्लामेथाजोल एंड सैलिसिलिक एसिड डाला गया है जो कि सिस्टोपिक के द्वारा बनाया जाता है। 85 रुपीज़ का ये पूरा क्रीम रहता है जो कि 30 ग्राम का ये क्रीम रहता है। तो ये क्रीम को यूज़ किया जाता है केवल डर्मेटोलॉजिस्ट के द्वारा और एक्जिमा और सोरियासिस में इसको यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं यूजर्स बेनिफिट साइड इफेक्ट कैसे यूज़ होता है, ड्रग कैसे काम करेगा, सेफ्टी एडवाइस क्या रखने का, डोज मिस हो जाए तो कैसे लेने का और इसका सब्सिट्यूट कौन कौन सा अवेलेबल है मार्केट में, तो वो सब बातें इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा ताकि सिस्टोपिक सॉल्यूशंस के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते एक छोटा सा इंट्रो के बाद। सेल टॉपिक ऑयलमेंट जो कि बनाया जाता है सिस्टोपिक लेबोरेटरीज के द्वारा बनाया जाता है। 30 ग्राम का ये क्रीम रहता है जिसका MRP 85 रुपीज़ रहता है। इसके अंदर कंटेंट की बात करें तो बेक्लामेथाजोल और सैलिसिलिक एसिड डाला गया है जो कि क्या करते हैं कि ये स्किन के ऊपर एक्जिमा और सोरियासिस होता है तो उसका ट्रीटमेंट करता है और रेडनेस से रिलीफ देता है, लाल लाल स्किन होती है उससे रिलीफ देता है, खुजली सूजन से भी रिलीफ देता है और डेड स्किन को निकाल देता है और सॉफ्ट स्किन रखता है। तो ये क्रीम केवल यूज़ होती है एक्जिमा और सोरियासिस में यूज़ होती है। अगर आप इसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, डॉक्टर की सलाह से यूज़ नहीं कर रहे हो, कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हो तो कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि जलन हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, इचिंग हो सकता है, स्किन में पेन हो सकता है और ड्राई स्किन हो सकती है। तो ये सब कॉमन साइड इफेक्ट है जो कि हो सकते हैं। जब भी इस क्रीम को लगाए तो डॉक्टर की सलाह से लगाए, डॉक्टर जितना डोज और ड्यूरेशन बोले उतना ही लगाए, जो भी इफेक्टेड एरिया उसको वॉश करे, ड्राई करे, उसके बाद वहाँ पर लगाए। तो सेल टॉपिक ऑइलमेंट काम कैसे करता है, तो इसके मैकेनिज्म की बात करें तो इसके अंदर दो दवाई डाली गई है, बेक्लामेथाजोल एंड सैलिसिलिक एसिड जो कि ट्रीटमेंट करती है एक्जिमा और सोरियासिस का। बेक्लामेथाजोल एक स्टेरॉइड है जो कि ब्लॉक कर देता है सर्टेन केमिकल मैसेंजर जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन को, जो कि स्किन को लाल करने में, सूजन लाने में और इचिंग लाने में हेल्पफुल रहती है। और सैलिसिलिक एसिड एक केराटोलाइटिक मेडिसिन है जो कि क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है केराटिन क्लंप को और रिमूव करती है उस डेड स्किन को, ताकि स्किन एकदम सॉफ्ट रहे और उसका ट्रीटमेंट एकदम जल्दी से हो। तो दोनों साथ में अच्छे से काम करते हैं, डर्मेटाइटिस सोरियासिस और स्किन इन्फेक्शन में ये काम करते हैं। तो इस क्रीम के बारे में कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी वहाँ पे पूछ सकते हो। चैनल पे और वीडियो पे पहली बार आप विजिट किए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।